वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सबा। आज की हमारी रेसिपी एकदम शॉर्ट, सिंपल और हेल्दी रेसिपी है, जिसे हम रगड़ा कहते हैं, बिल्कुल ही मोहम्मद अली रोड जैसा। ये सफेद बटाना है जिसे हमने 5 घंटे के लिए भिगो लिया था और इसे हमने पानी, नमक और हल्दी डालकर बॉईल कर लिया है। सॉरी, हमारी पहले की जो वीडियो है वो डिलीट हो गई थी। इसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके साथ में हमने यहाँ पर कोकम लिया है जिसे हमने फाइन पेस्ट बना लिया है, और ये है रगड़ा चना मसाला पाउडर, जिसका आपको आई कार्ड में देखिए दिखेगा, इसकी रेसिपी हमने उसमें डाली है। और ये है थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, ये तली हुई प्याज ली है हमने थोड़ी सी, और ये है इमली का पल्प। और इसके साथ हमने जब रगड़ा उबाला था हमने सफेद बटाने का, उसमें हमने ये पटेटो को भी साथ में बॉईल कर लिया था। ये पटेटो हम छीलकर इसे अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, और एक बाउल लेंगे, अच्छा डीप बाउल लेना है हमें। उसमें हम ये थोड़ा सा बटाना जो बॉइल्ड है वो ले लेंगे। उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कोकम पेस्ट। अगर आपके पास कोकम का पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इमली का पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ में हमने ऐड किया है तकरीबन 2 टीस्पून इमली का पल्प, और ये रगड़ा चना मसाला पाउडर, जो आपको लिंक ऊपर हमने दे रखी है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि इसे हमने किस तरह से बनाया है। और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी है और काफी हेल्दी भी, बिकॉज इसमें कोई तेल या कुछ नहीं है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मोहम्मद अली रोड जैसा। अब इसमें हम थोड़ा सा कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लेंगे। और इसके साथ में हमने यहाँ पर थोड़ी सी तली हुई प्याज जो है बिरिस्ता, वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बिरिस्ता नहीं है तो आप थोड़ा सा कच्चा कांदा भी ऐड कर सकते हो, कच्ची प्याज अगर आपको पसंद हो तो। और ये देखिए, रगड़ा बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर देखिए, ये बिल्कुल ही मोहम्मद अली रोड पर मिलने वाला रगड़ा वैसा ही लगता है। बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाला डिश है ये, आप इसे जरूर ट्राई करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वॉचिंग। बाय बाय।